धनंजय जी, मैं आपसे जरा एक चीज और समझू। देखिए, जो रिएक्शन आया है विपक्षी पार्टियों का, वो बहुत गार्डेड है। महुआ मैत्रा जी के अकेले उसको छोड़ के, महुआ मैत्रा जी ने सिर्फ यही पूछा है कि भाई उनको केवल अडानी के उस पे ही मिला और ये सब प्रायोजित ऐसा बोलिए। बाकी खड़गे साहब कल बोले हैं कि भाई ये ऑलरेडी हम बातचीत नीतीश जी से कर रहे हैं, स्टालिन से कर रहे हैं, वो उन्होंने इस पूरे उसकी बात कही है। इसको जिसको कहते हैं ना, थोड़ा इसको टोन डाउन करने की जरूरत की है। मेरे इसमें से एक कोई साहब बोल रहे हैं, और ये आज भी मैं कहीं डिबेट में सुन रहा था, बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये जो अडानी जी थे, ये पवार साहब का स्टार्टअप थे और मोदी जी का यूनिकॉर्न है। ये एक एक बहुत फ्रेश चल रहा है कि ये तो असली क्रिएशन है, पवार साहब इनको बनाए थे कि कैसे कैसे तुम करोगे। खैर, दूसरा एक आज विवेक देशपांडे साहब किसी जगह थे और उन्होंने ये, मतलब मुझे नहीं मालूम था, उन्होंने ही बताया कि 2014 में ये पवार साहब और अडानी जी, ये लोग दिलवारा के मंदिर में इनकी फोटो छेद हुई और 3 दिन तक लगातार चिंतन हुआ था इनका, और उस समय पवार साहब ने बीजेपी के साथ जाने से मना किया था। इनको बहुत मनाने की कोशिश की गई थी, वो मन नहीं माने थे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो मुझे लगता है, ये मेरा धनंजय जी अपना वो है, ये जो पवार साहब का स्टेटमेंट अभी आया है, उसका एक जो बड़ा कारण और पहला और बड़ा कारण मैं मानता हूं, वो जो खुलासा हुआ है अडानी जी का पीएमसी वाला मामला, पीएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वाला ना, चीनी कंपनी के साथ जो उनके संबंध बिल्कुल साफ साफ जाहिर हो गए हैं और उसमें विदाउट डाउट है। वो चैंग चुंगलिन का उनसे कितना पुराना संबंध है, चैंग चुंगलिन का जो लड़के हैं मॉरिस चैंग, वो उनके साथ उनकी कंपनी में कैसे कर रहे हैं देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेरे ख्याल में उसको उसको सरकार को लगा कि अगर इस समय मामला ज्यादा खुलेगा चलेगा, क्योंकि अभी उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं पिक कर रहा है, केवल हम ही लोग उसकी ज्यादा बात कर रहे हैं, तो शायद इस पे जवाब देना मुश्किल होगा। चीन के साथ अडानी जी अगर खड़े हैं, चीन का व्यापारी देश में इतना बड़ा व्यापार कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके ऊपर वो करने के लिए एक बड़ा कोई और काम कर दो, ये किया गया। धनंजय जी, ये किसका आपको मोटिव क्या लगता है, व्हाई दिस इज? देखिए, एक तो राजनीति में सीधी सीधी राजनीति होती नहीं है, राजनीति बहुत घुमावदार होती है, तभी मजा भी आता है। अगर सीधे सीधे हो जाए तो राजनीति का मजा नहीं, और वो राजनीति नहीं है। दो दुनी चार कर दीजिएगा तो राजनीति हो जाए, ऐसे नहीं होती है, होनी भी नहीं चाहिए। अब एक बड़ा अच्छा प्रोफेसर साहब ने शरद पवार जी का जिक्र किया। शरद पवार जी को मैं जिस तरह से देख पा रहा हूँ, एक तो शरद पवार शुरू से महत्वाकांक्षी नेता रहे, ये हम सब जानते हैं, लेकिन शरद पवार में वो किसानों का नेता है, ये भी हम जानते हैं। शरद पवार पे आरोप लगता रहा कि उनके दाऊद से बड़े गहरे संबंध है, ये भी हम सब जानते हैं। शरद पवार का इंडस्ट्रीज से संबंध है, ये भी सब लोगों को पता है कि इंडस्ट्रीज से उनके साथ संबंध रहते हैं। शरद पवार के साथ पैसों का लेन देन वाला मैटर भी जुड़ता है कि पैसों के मामले में किस तरह शरद पवार जो है बनाने में रहते हैं, वो सारी चीजें हैं। तो शरद पवार को मैं इस रूप में देखता हूँ कि शरद पवार साहब जो है, जो राजनीति का मौजूदा या कहिए राजनीति का एक जो यथार्थ वाला रूप है, शरद पवार उसके प्रतिनिधि के तौर पर मैं देख पाता हूँ। एक राजनीति का एक रूप हम लोगों ने देखा, गांधी, नेहरू, पटेल, इन लोगों को देखा, लेकिन उसके बाद जो राजनीति के जो प्रतिनिधि हुए वो बड़ा प्रैक्टिकल से दिखे। प्रैक्टिकल से दिखने का मतलब होता है कि उनको खुद को भी बना रहना और पार्टी को भी बनाए रखना है। तो खुद को बने रहने और पार्टी को बनाए रखने के लिए कई सारे हथकंडे सब अपनाते हैं, कोई दूध का धोला नहीं है इस मामले में कहा जा सकता है। जैसे कांग्रेस के अभी राहुल गांधी जो है कई मामलों में अभी नहीं आते दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि कांग्रेस में जो है, जो कांग्रेस में हुआ है उसमें राहुल गांधी का अभी बहुत रोल नहीं रहा है। तो सत्ता में जो कांग्रेस जब आएगी राहुल गांधी के नेतृत्व में, तब कांग्रेस किस तरह से निकलेगी, क्या करेगी, वो देखने वाली बात है। लेकिन जो अडानी के साथ कांग्रेस के संबंध माने जाते हैं, एक तरफ तो राहुल गांधी लगातार विरोध करते रहे, आज से नहीं शुरू से विरोध करते रहे, लेकिन हम देखते हैं कि जब राजस्थान में कोई समिट होता है और उसमें अडानी जी को बड़ा वेलकम करते हैं अशोक गहलोत साहब, फिर आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में अडानी साहब को बड़ा वेलकम करते हैं और मुख्यमंत्री जी उनके लिए लाल कालीन बिछाते हैं, भूपेश बघेल साहब, तो ये भी बात उभरती है। और राजनीतिज्ञों से गठजोड़ जो है पॉलिटिक्स में बड़ी सामान्य सी बात है, क्योंकि चंदा तो चाहिए सबको, पार्टी कैसे चलेगी? पार्टी जो है केवल दान खाते पे चलती है, हम सब जानते हैं कि दान से पार्टी नहीं चलती है, और पार्टी चलती है कई तरीके के धतकर्म करने पड़ते हैं उसमें सारी पार्टियां शामिल हैं। फिर लेकिन एक बात और मैं कहूँ कि शरद पवार का एक जो चरित्र रहा है, उस चरित्र में उन्होंने जो सांप्रदायिक तत्व है, जो सांप्रदायिकता के जो समर्थक माने जाते हैं, उनके साथ कभी जो है शरद पवार ने हाथ अब तक के इतिहास में नहीं मिलाया,
और आप देखिए कि जिस तरह से बीजेपी लगातार बढ़ रही थी, 2000 जब यहाँ पे जो चुनाव हुए थे विधानसभा के और शिवसेना और बीजेपी में ये खींचतान चल रही थी कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उस परिस्थिति में शरद पवार ने एक अलग माहौल क्रिएट कर दिया और बीजेपी से कहिए कि बीजेपी के मुंह से रोटी छीन ली। देर सवेर हो सकता है शरद ये शिवसेना के साथ जो है गठबंधन हो जाता बीजेपी का और सरकार बन जाती, लेकिन उसको माना जाता है, आप सब लोग जानते हैं कि शरद पवार उसमें धुरी बने और शरद पवार ने शिवसेना को अलग किया बीजेपी से और एक माहौल बना कि बीजेपी सर्वशक्तिमान नहीं है, बीजेपी को भी झटका दिया जा सकता है। नहीं तो मोदी जी तो अपराजयी के तौर पर दिखाई पड़ रहे थे कि वो कलिंग युद्ध के बाद जैसे अशोक अपराजयी हो गए थे वैसे अपराजयी थे, कि इनको हराया नहीं जा सकता है। तो शरद पवार ने एक झटका दिया था। शरद पवार ने यह भी झटका दिया था कि बारिश वाला जो वो आप देखिए जो वीडियो आया था बड़ा चर्चित हुआ कि भाषण देते रहे वो, और शरद पवार के खिलाफ जो है ईडी लगाने की कोशिश की गई, खुद ईडी में पहुंच गए, पहुंचने वाले हो गए और पूरा एकदम जो लग रहा था कि बीजेपी पता नहीं क्या करेगी उसको बीजेपी को बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया। अब महाराष्ट्र की राजनीति थोड़ी सी इसलिए भी उलझी हुई है कि महाराष्ट्र जो है यहाँ पे देखिए नागपुर की ही बात करते हैं तो नागपुर में अम्बेडकर की चैत्य भूमि भी है और नागपुर में वो जो है संघ का दफ्तर भी है, संघ का हेडक्वार्टर है। महाराष्ट्र से ही जो निकलते हैं बड़े बड़े लोग निकले और संघ को खड़ा किया और संघ के जो हेड बनते हैं जो मुखिया बनते हैं वो निकलते हैं। फिर आप देखिए कि जिस नागपुर में जिस रीजन में आता है विदर्भ में, विदर्भ में हमेशा कांग्रेस मजबूत रही, विदर्भ में कभी बीजेपी वाले मजबूत नहीं हो पाए। तो ये जो सारा अंतर्विरोध है उस अंतर्विरोध में मैं बोलूं कि शरद पवार कोई मुझे लगता है कि ये कोई गूगली बॉल है, इसको सामान्य तरीके से हम देखेंगे तो कहीं हम गड़बड़ी कर जाएंगे। और मुझे लगता है जेपीसी की जो मांग उठ रही थी, जेपीसी तो मांग मुझे लगता है, मैं अगर गलत हूं तो आप करेक्ट कीजिएगा, कि जेपीसी का निर्माण तो संसद चलते हुए ही होगा, अगर संसद रुक गई है तो अभी कहां से जेपीसी बनेगा, तो संसद के बंद होने के बाद इस बयान का क्या अर्थ है, इस पर विवेचना की जानी चाहिए कि अभी ये बोलने का क्या अर्थ है। दूसरा एक और देखिए कि शरद पवार जो है नागपुर गए मिलने के लिए नितिन गडकरी, ये भी चर्चा में रही कि नागपुर गए नितिन गडकरी से मिलने के लिए। अब नितिन गडकरी जो है वो मोदी जी के साथ बहुत सहज नहीं है, ये भी हम सब लोग जान रहे हैं, लंबे समय से खबरों में ये बातें हैं कि नितिन गडकरी सहज नहीं है मोदी जी के साथ, और यहाँ तक चर्चा चली कि हो सकता है नितिन गडकरी को इस बार टिकट न दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझिए कि नितिन गडकरी को संघ का बहुत प्रिय माना जाता है, कि नितिन गडकरी को माइनस करके संघ बड़ी आसानी से नहीं चलेगा। फिर ये भी हम देखते समझते रहे हैं कि जो ये मोदी और अमित शाह का धड़ा है वो संघ को क्या वो नियंत्रित कर रहा है या संघ पे हावी होने की कोशिश कर रहा है, ये भी है। तो इतने सारी चीजों के बीच मुझे लगता है एक झटका के तौर पे तो बिल्कुल लगता है, जब मैंने भी सुना तो मुझे झटका लगा कि राहुल गांधी जिस तरह से अडानी वाले मुद्दे को लेकर के चलते रहे और ये जो आया और सारे विपक्ष साथ हो गए अडानी मोदी संबंध को लेकर के, और मोदी जी एकदम बैक फुट पे आके खड़े हो गए कि राहुल गांधी के खिलाफ अचानक इतने सारे मामले बन गए और एक लगा कि विपक्ष जैसे एक धुरी में आके बन गया इसी मुद्दे को लेकर के, चाहे वो राहुल गांधी के खिलाफ जो है कोर्ट ने जो 2 साल की सजा सुनाई, उनकी सदस्यता रद्द हुई और उनकी उनके बंगला से निकलने की नोटिस जारी कर दिया गया, तो तमाम चीजों पे सारे मतलब वो केजरीवाल जो धुर विरोधी रहे कांग्रेस के वो उनने भी कहा कि भैया इस मुद्दे पे हमको साथ आना और राहुल गांधी का बचाव किया, इस लेवल पे आके खड़ा हो। अब ऐसे में अचानक जो है जब शरद पवार इस तरह से बोलते हैं तो लगता है कि कहीं जो हवा जो है पिन तो नहीं मारा गया, वो जो विपक्षी एकता की हवा बन रही है, क्योंकि इस देश में राजनीति जो है वो परसेप्शन पे भी बन रही है और परसेप्शन पे को बनाने में जो मीडिया बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, मीडिया को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज जिस तरह से मीडिया बिहेव कर रहा है मोदी जी के आने के बाद, मुझे लगता है मीडिया जो है एक महत्वपूर्ण धड़ा बन गया है इस जो राजनीति अभी चल रही है। तो जो ये जो बना रहे हैं, ये जो बन रहा है और इसमें जो शरद पवार के कहने से ये बोलने भर से जो एक परसेप्शन बनता है वो तो निगेटिव जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं नहीं मान पा रहा हूँ कि शरद पवार को ऐसा काम करेंगे जैसे आपने मुलायम सिंह का भी जिक्र किया, लेकिन शरद पवार इतने कमजोर नेता नहीं है कि किसी के दबाव में आ जाएंगे। लेकिन अलग तलग कई बार शतरंज की चाल में जब जो सिपाही जो घोड़े होते हैं या जो हाथी होते हैं या जो मंत्री होते हैं वो पीछे भी अपने घर की तरफ लौटते हैं, कई बार ऐसा होता है, तो उसको उस तरह से मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं कहूँ कि ये बीजेपी के खिलाफ जो है
जो एक बड़ा बड़ी मुहिम चली और महाराष्ट्र सरकार बनी शिवसेना के साथ और महाविकास आघाड़ी बना और महाविकास आघाड़ी आज भी खिलाफ खड़ा है बीजेपी के, महाविकास आघाड़ी में अभी भी कोई जो है दरार नहीं है। और सावरकर वाले मुद्दे पे भी जो है महाराष्ट्र में एक माहौल बनता है कि कई लोग हैं जिनको लगता है सावरकर, क्योंकि फिर गुजराती मराठी भी होता है, फिर हालांकि गांधी को मानने वाले महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त तरीके से लोग हैं, जेपी को मानने के वाले लोग, लेकिन अभी जिस तरीके की राजनीति हो रही है सब गडमट सा हो गया है, उसमें आसानी से एक रिजल्ट निकाल लेना या एक नतीजे पहुंच जाना मुझे आसान नहीं लगता है। और मुझे लगता है कि इसमें कोई जरूर रहस्य है जो आगे परत खुलेगी, और पवार साहब ने बाद में इंटरव्यू भी दिया है, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस या जो विपक्ष में जो इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि देखिए एक महत्वपूर्ण मैं मानता हूं कांग्रेस के साथ जो सामाजिक न्याय की जो बात की जा रही है, इस बार जो अपने चिंतन शिविर में भी कांग्रेस ने सामाजिक न्याय को ही मूल रास्ता बनाया है, और सामाजिक न्याय की जब आप बात करते हैं तो आप दक्षिण चले जाते हैं तमिलनाडु, जहां सामाजिक न्याय का बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन होता रहा, और आप आइए बिहार जहां सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण आंदोलन चलता रहा कि पिछले 33 सालों से सत्ता में है वही लोग जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अब देखिए बीपी सिंह ने बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया पिछड़ों को आगे लाने में, पिछड़ा का जो मंडलवाद लागू हुआ, लेकिन उसी मुद्दे को लेकर के बीजेपी ने सरकार से, बीजेपी की सरकार जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी उसको गिराया बीजेपी ने मंडल वाले आरोप को ही लेकर के। लेकिन ये बड़ा एक करिश्माई है कि जिस पिछड़ों को आरक्षण दिलाया इतने संघर्ष के बाद बीपी सिंह ने, उसी बीपी सिंह को धोखा देने वाली पार्टी बीजेपी के साथ जो है आज पूरे देश के अगर पिछड़े वर्ग खड़े हो गए हैं, वो उत्तर प्रदेश इसका बड़ा उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग अगर नहीं साथ आता बीजेपी के तो शायद बीजेपी को वहां सत्ता नहीं मिलती। या कल्याण सिंह जिस तरह से राजनीति करते रहे, पिछड़े वर्ग के राजनीति करते रहे और बीजेपी के साथ चलते रहे, तो बीजेपी को साथ दिया पिछड़ों ने। तो ये जो सामाजिक न्याय का जो एक मंच बना है बिहार और जो है तमिलनाडु और कांग्रेस, तो मुझे लगता है शरद पवार के इस बयान से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है, चूंकि उद्योगपतियों को लेकर के एक जो है माहौल तो बना है देश में कि उद्योगपति किसी के नहीं है। ये भी माहौल बना है कि हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी है इतनी सारी चर्चा हुई, आज से हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, और हिंडनबर्ग ने अडानी साहब को सीधा चैलेंज दिया था कि अगर आप हम गलत हैं तो आओ आप हम पे केस करो, मुकदमा करो। अडानी साहब चुप्पी साध गए। अडानी साहब का मैटर इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला है, मुझे नहीं लगता है कांग्रेस पार्टी भी इससे पीछे हटेगी, और जो 18 पार्टियां और जो साथ खड़े हुई हैं वो पीछे हटेंगे ये मुझे नहीं लगता। फिर मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय का मुद्दा इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अडानी तो है अपनी जगह, अडानी एक जगह पे आकर के खड़ा हो गया, लेकिन सिर्फ अडानी को के मुद्दों को लेकर के अगर हम ये सोच पा रहे हैं कि बीजेपी को मात दे देंगे तो आसानी, चूंकि जो एक इस देश का जो समाज जो है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो आदिवासी वर्ग है, अडानी से उनका सीधा कोई अटैचमेंट उनको दिखाई नहीं पड़ता, उनको लगता कि अडानी का मैटर हमको क्या करना है। तो जब तक सामाजिक न्याय के मुद्दों को आप लाएंगे नहीं, दो पटरी, एक मुझे लगता है अडानी एक मुद्दा है लेकिन सामाजिक न्याय जो है दूसरा पटरी बनाना पड़ेगा, और सामाजिक न्याय के मुद्दे को उतने ही ताकतवर तरीके से उठाएंगे तभी ये जो है विपक्ष की जो रेल है वो दिल्ली पहुंच पाएगी। अगर उसको आप एक ही जगह चलेंगे और दूसरा छोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि रेल जो है दिल्ली पहुंचने में बड़ी संकट आएगा। तो अब जब सत्र खत्म हो गया तो आइए सामाजिक मुद्दे पे बात करें, सामाजिक न्याय के मुद्दे पे बात करें, किसानों की बात करें, बेरोजगारों की बात करें, दलितों की बात करें, पिछड़ों की बात करें और बात करें। चूंकि देखिए अभी बिहार में जो दंगा वो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मैं कंप्लीट कर दूं, भूमि समस्या जरूरी है। अभी बिहार में जो दंगा हुआ बिहार शरीफ में और सासाराम में, खास करके बिहार शरीफ के दंगे की बात मैं करूं, तो ये सीधा सीधा जो है नीतीश कुमार के घर में घुस करके हमला करने की कोशिश। क्योंकि नीतीश कुमार एक बात हमेशा कहते रहे, ठीक है उन्होंने बीजेपी के साथ भी अपनी सरकारें चलाई, लेकिन सांप्रदायिकता का मुद्दा हो या शासन का मुद्दा हो उस पर कभी किसी के साथ समझौता नहीं किया, किसी को किसी के उसमें आए दबाव में आए नहीं। आप और याद कीजिए, थोड़ा और पीछे मैं ले जाऊं, जब बीजेपी के साथ थे नीतीश कुमार तो अश्विनी कुमार के बेटे ने रामनवमी के मौके पर ही बड़ा हंगामा किया था भागलपुर साइड, और पटना में भी घटनाएं हुई थी, और उसमें अश्विनी कुमार चौबे जो अभी स्वास्थ्य मंत्री है भारत सरकार के, उनके बेटे को गिरफ्तार तक किया गया था, बड़ा बवेला मचा था कि लगा तक पता नहीं क्या हो जाएगा। तो नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश है, लेकिन नीतीश कुमार जो है उस सांप्रदायिकता वाले मुद्दे को भी उभरने नहीं दिया,
बीजेपी की ये बड़ी कोशिश थी कि बिहार में दंगा हो जाए और दंगे में हमेशा जो है लाभ ले लेता है, बीजेपी को लाभ मिल जाता है क्योंकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाता है। लेकिन जिस तरह से अभी आज ही मैं देख रहा था कि बजरंग दल का जो सबसे ताकतवर नेता है वहां का है, नालंदा का, बिहार शरीफ का, उसके घर जब्ती कुर्की भी हुई है ना, और नीतीश कुमार अमित शाह वहां गए दंगे के समय वहां गए, और उसके बगल में बिहार शरीफ से 20-22 किलोमीटर की दूरी पे हिसुआ है, नवादा जिला का एक ब्लॉक है, वहां उन्होंने भाषण दिया। और भाषण में क्या दिया उन्होंने, सांप्रदायिकता की आग पे पानी डालने वाला कोई बयान नहीं दिया उन्होंने, बल्कि उभारने वाला बयान दिया। बावजूद इसके बिहार शरीफ का दंगा कंट्रोल हो गया, कर्फ्यू भी नहीं लगाना पड़ा, 144 से कंट्रोल कर दिया बिहार शरीफ में दंगे को, और बिहार में एक माहौल फिर से देखिए बन गया है कि ये जो है इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि नीतीश कुमार शासन और प्रशासन दोनों मैटर में इंटरफेयर नहीं करते, राजनीतिक बयानबाजी में बिल्कुल आते हैं। तो जो सम्राट चौधरी का भी देखिए, वहां भी और समीकरण देखिए कि सम्राट चौधरी को जिस तरह से लाया गया और कहा गया कि लव कुश को खत्म कमजोर किया गया है, कुशवाहा आप सारे इनके साथ खड़े हो जाएंगे, वो भी अभी ये कुशवाहा जी जो है, जो सम्राट चौधरी है वो गए थे, चिराग पासवान ने जो एक जो सभा की जिसमें चौहर बाबा चौहरमल का जिक्र होता है, आप साथ बिल्कुल जानते होंगे चूंकि स्टार न्यूपी से आप हैं, तो चौहरमल वहां बड़ा चर्चित है पासवानों में, और उनको कहा जाता है कि उनको देवता का दर्जा हासिल है और हर साल इस तरह की वहां सभा होती है, वहां पे सम्राट चौधरी को बोलने नहीं दिया गया। तो ये जो माहौल है मुझे लगता है सामाजिक न्याय का, इसको भी बड़ा महत्व देने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि इस जो कांग्रेस का अपना भी चिंतन है कि सामाजिक न्याय पे हम चलेंगे, लेकिन अडानी इतना हो गया है कि कई लोग कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि कई देखिए जब झगड़े होते हैं तो दो तरफा वार होता है, अगर बीजेपी के कुछ दुर्ग टूटेंगे तो जो विपक्ष में लोग खड़े हैं उसमें भी दुर्ग टूटेंगे, और सब जो है राहुल गांधी की तरह एकदम पवित्र और साफ नहीं है। अगर आप सोच देखिए कि ईडी सीबीआई क्या नहीं किया राहुल गांधी के खिलाफ, लेकिन राहुल गांधी कहीं धरे नहीं गए, पकड़े नहीं गए। राहुल गांधी को जो है 2 साल की सजा दिलाई गई, फिर जो ये सारा चला, या पिछले 8 सालों से 10 सालों से राहुल गांधी के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, पूरी मीडिया जिस तरह से लगी हुई है, उस अभियान में भी जो है राहुल गांधी कहीं कमजोर पड़ते दिखे नहीं। तो मैं इसको दूसरी तरफ से ये भी देखता हूँ कि मीडिया को भी शायद ये लगेगा कि भैया अब चुनाव का समय है, 2024 आ गया है और जो है युद्ध की फाइनल तैयारी हो रही है, तो इस तरह से एक तरफा मत रहो, ये भी शायद मुझे लगता है कि कहीं एक सूत्र निकलेगा किसी, देखिएगा, क्योंकि मीडिया जो है इन्हीं घरानों के पास है, अडानी हो या अंबानी हो, हम सोशल मीडिया को तो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा। अब देखिए कल परसों ही आया है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए फैक्ट्री कमेटी बनाएगी आईटी, और फैक्ट्री कमेटी बनाएगी, उस पर जो है जो फैक्ट होगा उसके लिए उस प्लेटफॉर्म को कहा जाएगा कि इसको हटाइए, और अगर नहीं हटाएंगे वहां से तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये सारा क्या किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे जो हम लोग बात कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो एक नेचर है कि आप एक तरफ कंट्रोल करेंगे तो दूसरी तरफ कंट्रोल छूटेगा। तो मैं इसको इस तरफ पे देखता हूँ, उद्योगपतियों से भी कहा जा रहा होगा या कहा जाएगा, एक ऐसा समन्वय बनाया जाएगा कि भैया आपको इस देश में रहना है ना, तो जनता को भी रहना होगा और बाकी पार्टियों को भी रहना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र को अभी लड़ाई बेसिकली है लोकतंत्र और तानाशाही की। अगर तानाशाही अगर जीत जाएगी 2024 में तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ये सबको पता है। तो मुझे लगता है कि कुछ गुड़ अभी आने वाला है, अभी आया नहीं है, एक झटके के तौर पे देखिए कुछ बड़ा होने वाला है। जी ठीक है।